देख सकते हैं यहाँ पे मोमो एकदम बन के हो चुका है रेडी। ये मोमो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल एंड द अदर वीडियो। तो गाइस आप लोग कैसे हो, अच्छे होंगे। गाइस मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, शाम के 7 बजे से पार हो चुका है। और आज ये मैं क्यों शूट कर रहा हूँ इतने शाम को, क्योंकि आज हम लोग खाने वाले हैं मोमो। यस आप लोग ने सही सुना, मोमो। तो गाइस ये हम लोग का बहुत दिनों से प्लानिंग था कि हम लोग मोमो खाएंगे। ये सैटरडे को आज हम लोग ने बोला कि आज तो ज़रूर खाना है, क्योंकि बहुत वेदर कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। आज ही ठीक हुआ, आज कितना है डेट, आज 8 अप्रैल, आज को बहुत अच्छा हुआ वेदर, और गर्म भी बहुत हो चुका था। आप लोगों को भी बहुत गर्म लगा होगा, और वेदर का कंडीशन की वजह से हम लोग ने नहीं खाया। लेकिन मैंने कल रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड किया, वो ब्लॉग मैंने बना लिया था, क्योंकि ब्लॉग भी बहुत दिनों से नहीं आ रहा था चैनल पर, इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया। तो गाइस आज हम लोग फाइनली खाने वाले हैं मोमो, एकदम बढ़िया। आप लोग का भी फेवरेट होता होगा, हम लोग का भी फेवरेट है मोमो। किसका फेवरेट नहीं है, इतना बढ़िया डिश भाई। किचन चलते हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है हम लोग देखने के लिए। तो ये हम लोग का बाहर का रूम एस यूजल, और ये हम लोग का किचन। सो गाइस अभी देखते हैं मोमो में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ चुका हम लोग का ये धनिया, ये कॉमन धनिया जो हर घर में मिलता है। और गाइस ये हम लोग इसको, ये धनिया को बोलते हैं हम लोग बर्मा धनिया। आप लोग ने किसी ने नया नया देखा होगा। तो गाइस ये धनिया के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ, ये बर्मा धनिया इसको बोलते हैं हम लोग तो बर्मा धनिया बोलते हैं। इसको बेसिकली सूप में यूज़ किया जाता है, ये सूप में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग के भाषा से इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और बाहर के लोग तो नहीं पता करते कि नहीं करते, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मोमो के सूप में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गाइस ये केबेज, ये तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे ऑनियन भी कट के रेडी हो चुका है, इसको लगता है और काटना पड़ेगा। और ये मीट। तो गाइस इतना सब आज हम लोग यूज़ करेंगे, और मैं इधर में दिखाता हूँ क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग का सूप बन रहा है, सूप रेडी हो रहा है। ये सूप में हम लोग वो बर्मा धनिया। गाइस ये मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है। गाइस मैंने कल रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, जो उसमें अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है मेरे वीडियो लगने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कॉमेंट भी अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे वो देख के। तो गाइस अभी ये सब होने के बाद आप लोग को दिखाएंगे थोड़े देर में। सो गाइस हम लोग का सूप रेडी हो चुका है, अभी हम लोग का काम भी आधा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग इधर। ये मोमो का शेप हो चुका है रेडी, उसके बाद यहाँ पे मोमो का प्रोसेसिंग चल रहा है, और हम लोग का सूप भी रेडी हो चुका है। दिखाते हैं आप लोगों को सूप रहा हम लोग का, वाह बढ़िया एकदम सेंट, जो मज़ा आ रहा है इसमें। और हम लोग का ये इस मोमो का कीमा बोलते हैं इसको, ये भी ढाल रहे मोमो का उसमें। अभी ये सब इसको पैक करेंगे वो कीमा से, उसके बाद उधर में डालेंगे, उसके बाद ये हम लोग पकाएंगे इसको स्टीम से इधर में। सो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ इसको कैसा बनाते हैं, ये इसका ये कीमा डाल के। सो इसको शेप दे दिया, अभी उधर में रख रहे हैं। अभी हम लोग का बच चुके हैं 8, जो आज थोड़ा देरी हो गया मोमो का, लेकिन कोई बात नहीं, करके आराम से खाएंगे, चिल करेंगे एकदम आज। उसके बाद इसको एकदम बढ़िया से शेप देते हैं, ऐसा करके देख सकते हैं आप लोग। मुझे भी शेप देना नहीं आता, लेकिन दीदी लोग को तो मज़ा से आता है, मुझे नहीं आता इतना शेप देना, इसलिए मैंने करता ये वाला। और बाकी का काम तो थोड़ा थोड़ा कर लिया, अभी इसको शेप देना है, उसके बाद उधर में रखना है, सेम प्रोसेस। इसको बेलना है इतना शेप में, उसके बाद इसको ढालना है, उसके बाद उसको करना है, एकदम अच्छे से पक जाएगा। सो गाइस बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया लग रहा है अभी, गाइस बने रहिएगा वीडियो में। गाइस मोमो का प्रोसेस तैयार हो चुका, अभी देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे तीनों स्टेप को लगा चुका है। अभी लास्ट का फर्स्ट का स्टेप तो हो चुका है शायद, देख लेते हैं अभी क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप का। सो थोड़ा देरी हो गया आज मोमो का, लेकिन टाइम एकदम ठीक है। सो देख सकते हैं एकदम वाह बढ़िया, ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है इसका। अभी इसको नमाने का बाकी टाइम है गाइस। सो गाइस देख सकते हैं इसका एकदम बढ़िया हो चुका है, ये एकदम रेडी हो चुका है। अभी सबसे पहले वो ये वाला स्टेप को, उसके बाद ऊपर वाला सबसे। सो अभी हम लोग का ये बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अभी इसको हम लोग
यहाँ पे रखेंगे एक एक करके। सो मैं भी मदद कर देता। तो गाइस अभी फिर से वो मोमो हम लोग का पैक करके हो चुका है। अभी फिर से इसको यहाँ पे रखेंगे एक एक करके ये फुल होने का बाद। उसके बाद फिर से इधर फिर से वही प्रोसेस सेम बाकी। और गाइस आज हम लोग मोमो के साथ और कुछ चीज़ खाएंगे या ये बढ़िया लगेगा इस मोमो के साथ। ये एक चिल सा हो जाएगा, बढ़िया लग जाएगा। ये आप लोग बना सकते हैं घर में, और घर में मैं बोलूँगा कि घर में बना के खाना चाहिए, एकदम बढ़िया से खाने को भी मिलेगा और एकदम बढ़िया है। देख सकते हैं आप लोग होममेड मोमोस। और गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका हो चुका है ये। अभी इसको सिर्फ यहाँ पे रखेंगे, ये सबसे नीचे में रखना पड़ेगा। अभी ये दोनों को हम लोग नमाएंगे क्योंकि ये दोनों थोड़ा थोड़ा पक चुका है। सो इसको अभी ऊपर रखेंगे। सो जो नहीं पका हुआ है, जो अभी ये नया नया वाला, इसको सो इसको सबसे नीचे रखेंगे क्योंकि सबसे हीट में इसको हम लोग पकाएंगे। सो ये प्रोसेस होता है मोमो का। और ये मिलते हैं बनने के बाद। मुझे एक खाने का परमिशन मिल चुका है अभी, तो मैं एक ट्राई करके देखता हूँ कैसा हुआ है इसमें से। सो गाइस एकदम खा के देखते हैं कैसा हुआ अभी। तो मुझे भी देना ठीक है, मुझे खा। वाओ एकदम बढ़िया। ऐसे मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मजा हुआ। तो गाइस खा के तो बढ़िया लग गया एक मोमो। अभी मुझे एक काम मिला है कि वो थोड़ा मैदा को थोड़ा गूंदना पड़ेगा थोड़ा और करने के लिए। तो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं एंड टाइम में ये सब होने के बाद दिखाते हैं। ठीक है गाइस ओके। हमने जो बोला था बाद में बर्मा धनिया अभी उसको हम लोग डालते हैं ये सूप में। देख सकते हैं आप लोग, ये सूप हम लोग का आधा हो चुका है। सो ये अभी धनिया इसमें डालते हैं, इसका फ्लेवर, इसको काट काट के पीस पीस से। सो अभी हम लोग ने डाल दिया इसमें। अभी ये थोड़ा देर इसमें इसको आग में वो करेंगे, उसके बाद ये एकदम रेडी बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, इसका फ्लेवर आ जाएगा। सो थोड़ा देर इसको हम लोग पानी डाल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सूख गया है। सो गाइस सूप में थोड़ा नमक कम हो चुका है, अभी ये नमक कटोरे में ले जाते हैं, उसमें नमक थोड़ा डालते हैं। One hour later. गाइस अभी हम लोग का बन के हो चुका मोमो रेडी। आप लोग को दिखाते हैं अभी क्या हुआ, कैसा हम लोग ने किया मोमो को। देख सकते हैं यहाँ पे मोमो एकदम बन के हो चुका है रेडी। ये मोमो मेरा और दीदी का, और साथ में कोक। वाओ, और ये चटनी हम लोग ने यहाँ पे रखा है, फिर से हम लोग लेंगे इसको। और अभी कोक का हम लोग यहाँ पे एक मेरा और यहाँ पे दीदी का। मोमो तो एकदम बढ़िया लग रहा है गाइस। इधर में भी है मोमो ये हॉटकेस में। अभी फिर से हम लोग ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर से लेंगे। आज तो पार्टी मोमो का भाई। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में बताइएगा, आपका डिलीशियस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी दीदी खाया वाला मैं दिखाता हूँ आप लोग को थोड़ा। अभी देख सकते हैं आप लोग थोड़ा अच्छे से खा के, थोड़ा ऊपर करो। वाओ वाओ अच्छा तो हो गया मोमो। ऑब्वियसली यस यस दीदी ने बनाया है, और आप लोग इसको देख सकते हैं सामने से। वाओ चटनी भी एकदम बढ़िया होगा। ये चिली का चटनी जो मिलता है होटल में वो चटनी नहीं है, ये हम लोग ने यहाँ पे खुद घर में बनाया एकदम। अभी मैं खाता हूँ मोमो, आप लोग देखना गाइस। अभी मैं खाता हूँ, मैं पहले कोक से शुरुआत करता हूँ, कोको कोला। सबसे पहले थोड़ा बड़ा वाला स्टार्टर ट्राई करते हैं मैं, ये वाला। इसमें चटनी लगाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कैमरा के सामने के बाद। गाइस एक अलग सा
मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को तरीका दिखाऊंगा। मैंने इतना खा के अभी रेड खत्म हो गया, अभी ये खा के दिखाता हूँ मैं बढ़िया से। तो गाइस अभी मैं ये मोमो को बढ़िया से खाऊंगा, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग का ये फुल हॉट केस ख़त्म होता है कि नहीं होता है। पापा और मम्मी ने तो ज़्यादा खाया नहीं खाया, लेकिन मैंने और दीदी से सबसे ज़्यादा खाया भाई। मेरा मोमो ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग ने लेकिन जो मेरा वो था कि पूरा हॉट केस का ख़त्म करके वो नहीं हो पाया, उसमें 10 रह गया। हम लोग कोई नहीं, कल खाएंगे आराम से, क्योंकि हम लोग का पूरा पेट भर चुका है। कोको कोला से आई थिंक मुझे ज़्यादा पेट भर गया, और सूप भी मेरा थोड़ा रह गया इसको थोड़ा। मेरा देख सकते हैं एटलीस्ट मैंने सब ख़त्म किया, दीदी का तो सूप इतना रह गया और उसने थोड़ा कम खाया मेरे से, मैंने ज़्यादा खाया। और यस मैंने सब कुछ ख़त्म और एकदम बढ़िया था मोमो। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहीं तक रखे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। बाय बाय गाइस।